नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में खास तौर पर बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि के व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे तथा इस दौरान बरती जाने वाले महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे। किस प्रकार से माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी आपके जीवन में किस प्रकार से सुख समृद्धि ला सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से किस प्रकार आप अपने जीवन में चल रही जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं या जो भी कष्ट हैं उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं पैसों से जुड़ी उनको किस प्रकार से माता लक्ष्मी दूर करने में आपकी सहायता कर सकती हैं, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका चंद्रमा आपका आज का दिन दोपहर के बाद मकर राशि में जाने जा रहा है तथा शनि के साथ इसका संयोग बन रहा है, जबकि आपके जीवन में बुध का पहले ही प्रवेश हो चुका है। ऐसे में चंद्रमा का आपके सातवें भाव में गोचर करना आपके कामकाज में व्यस्तता को बढ़ा सकता है और काफ़ी लंबे समय से अटके हुए घरेलू और बाहरी कार्य को भी आप आसानी से निपटा सकते हैं। परिवार के साथ रोमांचक पल का आनंद ले सकते हैं। त्योहारों के लिए जरूरी चीज़ों को संग कुछ घरेलू चीज़ों को लाने की खरीदारी करें तथा आपको अपने पैसों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेंगे। आपको मेहनत और लगन से अपने कार्यों को पूरा करने के मौके भी प्राप्त होंगे, उनमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होंगे। प्रेमी से मिलने और उनकी बातों को ध्यान देने की जरूरत रहेंगे तथा शौक मौज पर आपका धन भी खर्च हो सकता है। उपहारों की खरीद कर सकते हैं। विद्यार्थियों का जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि राशि स्वामी बुध का राशि परिवर्तन और चंद्रमा का गोचर आपको साहस और आत्मविश्वास से भरपूर बना रहा है। माता पिता से आपको सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके कुछ जरूरी और कुछ गैर जरूरी दोनों चीज़ों की आप काफ़ी ज़्यादा पूर्ति कर सकते हैं, जिनमें आपका धन खर्च हो सकता है। कारोबारियों के लिए दिन काफी लाभप्रद साबित होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में आपके सितारे भी अनुकूल चल रहे हैं। परिवार के साथ सुख और आनंद के पल भी बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। मन में नई योजनाएं और विचार भी आते रहेंगे जो आपको उत्साहित कर सकते हैं। भाई बहनों से आपको खुशियां अवश्य प्राप्त होंगे। दूर में रहने वाले सगे संबंधियों से भी बात करने के मौके या मुलाकात करने के मौके प्राप्त हो सकते हैं। वरिष्ठजनों और गुरुजनों से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अधिकार और संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी। आपके भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। कारोबार में और आपकी वृद्धि होंगी। उन्नति के प्रयास भी आपके सफल रहेंगे। आपको मेहनत का सफलता भी अवश्य प्राप्त होंगे। आपके लिए सलाह है कि धैर्य और साहस को बनाए रखें। दिन के दूसरे भाग में स्थितियाँ आपके पक्ष में दिख रही हैं। आपके घर के कामकाज पूरे हो सकते हैं। आप धर्म कर्म या और उपकार के काम को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में भी आपका दिन काफी अनुकूल रहेगा। मौज मस्ती में भी आपको पढ़ाई के विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेंगे। खान पान पर संयम जरूर बरतें और आपकी राशि में चंद्रमा का आगमन हो रहा है। ससुराल पक्ष से आपको प्यार और सम्मान अवश्य प्राप्त होंगे। लाभ भी प्राप्त होगा। रुके हुए काम भी आपके बनने वाले हैं। कारोबार में लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। भविष्य की योजनाओं पर भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं। शॉपिंग और धन खर्च हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी तथा आपका दिन आपके लिए सुख और आनंद में व्यतीत होने वाला है। आप अपने उचित भोजन का आनंद ले सकते हैं तथा आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि महीना तो अभी प्रारंभ ही हुआ है। बुद्धि और विवेक से कई उलझनों को आप और परेशानियों को हल कर सकते हैं। मित्रों और संबंधियों से भी आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होंगे। आप सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। मित्रों और संबंधियों से भी मेल मुलाकात हो सकती है।
नए लोगों से संपर्क होने के लिए आपका योग बन रहा है। संतान से संबंधित काम में भी आप समय दे सकते हैं। योग और ध्यान करें, सेहत के लिए लाभकारी रहेगा। बाहर के खान पान पर भी आपको बचे रहने की जरूरत रहेंगे। आपका दिन भी आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। परिवार के साथ रोमांस के बेहतर मल भी आनंद ले सकते हैं। त्योहार के लिए जरूरी चीजों को संग में आप ला सकते हैं। घरेलू चीजों की भी आप खरीदारी कर सकते हैं तथा न चाहते हुए भी आपको आपके जीवन में थोड़ी सी खरीदारी करने की नौबत आ सकती है। आपका समय संगीत और आनंद में मौज मस्ती में युक्त समय व्यतीत हो सकता है। अचानक लाभ से मन आपका आनंदित होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है तथा आपको आपके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, जिनके कारण आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहोगे। आपके जीवन में भी आपको सुख और सानिध्य की प्राप्ति अवश्य होंगी। आपके समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपकी इज्जत कर सकते हैं। आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी कर सकते हैं और किसी नए मोबाइल या फिर किसी नए ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ावा दे सकते हैं, जिनमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। समाज के लोगों को भी अपने फेवर में करना आपके लिए शुभ साबित होंगे। आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल होंगी। समाज के लोगों के बीच आप अपने वर्चस्व में बढ़ोतरी कर सकते हैं तथा आपको बताना चाहेंगे कि इस समय किसी भी प्रकार के मतभेद को अपने दूरी में लाना, अपने जीवन में लाना आपके लिए परेशानियों का कारण हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद एक दूसरे के प्रति मन में ना लाएं। अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं और उन परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह सबसे पहले उठकर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने, माता लक्ष्मी का जो भी स्वरूप आपने अपने घर में विराजमान या स्थापित कर रखा है, उनको आप जरूर प्रणाम करें। उनके सामने सक्षम होकर आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को, चल रही समस्याओं को उनके साथ जरूर शेयर करें तथा अपने जीवन में जो भी आपके दुख तकलीफें या संकटें या समस्याएं हैं, उनको भी आप शेयर करने की अवश्य कोशिश करें। आपका दिन आपके लिए खास रहने वाला है और आपके जीवन में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। घर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। गौमाता को हरा चारा जरूर खिलाएं, इनसे कि आपके रुके पड़े कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। समाज के कुछ लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं तथा समाज में आपका जीवन में काफी ज्यादा प्रफुल्लता और काफी अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी तथा आप काफी प्रसन्न भी बने रहोगे और बेरोजगारों को रोजगार के लिए किए जा रहे प्रयास भी सफल होंगे। आपकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। आपको रोजगार के उचित अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें आपको खुशियां अवश्य प्राप्त होंगी। आप अपने आप को काफी अच्छा और प्रभावशाली बना सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवा।